Hey guys, assalamualaikum, this is Arjun Wright and welcome back to my another vlog. और आज का व्लॉग देखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अरे अरे अरे, मैंने मक्खियों के जाल में चली गई हूँ ना। वैसे अब तो ये सारी निकाल ही दी है, बस थोड़ी सी बची हुई है। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने। और आज इनका रिटर्न है, वापस जाना है इन्होंने। उसके बाद जाल बड़ा गंदा लग रहा है, छोड़ो अभी मूड ऑफ नहीं करते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी जा रहे हैं। बाकी सारे तो थक गए हैं, वो बैठेंगे, मैं, दानिश और मम्मी और अयाज जा रहे हैं, तो फिर आपको रास्ते में मिला। सो गाइज, अभी निकल गए हम यहाँ से घूम घूम करने। और ये रही हमारी सासू मॉम और अम्मी, दूसरे अम्मी, हाय कर दो, सलाम कर दो। तो अभी हम सारे मार्केट जा रहे हैं और मैंने आपको कहा था मैं अपनी सासू मॉम से मिलवाऊंगी, जैसे सबने रील्स वगैरह तो देखी हुई हैं, तो अभी मिलवा भी दिया। हाथ तो मैं देख रही हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल हम मार्केट जा रहे हैं और ये रहे वाइट वाइट। सो गाइस, सो गाइस, गाइस यार मैं तो कह रही जा रहे हैं। सो गाइस, जिन राइड ने मुझे गिरा दे मैं चल गया। गाइस हम पहुंच गए सात वैली और मेरी आवाज इसलिए डाउन है क्योंकि मैं डाउन हो चुकी हूं। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूं स्कूटी पे और पता नहीं, और नींद भी नहीं हुई है ना प्रॉपर इन दिनों, तो ऐसा दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है। बहुत गंदा असर पड़ रहा है। सो गाइस, हमने आपको बताया था कि हम लव स्टोरी सुनाएंगे, अब हो जाता है जाना, ठीक है माँ। तो हम कहाँ मिले, कैसे मिले, गंदा आ रहा है, मुझे क्या पता, तुम बनाती हो। पता क्या, ऐसा ना, एक तो टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब हम सिर्फ सफ़र कर रहे हैं स्कूटी पे, बस वही कर रहे जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी थोड़ा टाइम नहीं मिला कि हम प्रॉपर अच्छे से एक व्लॉग बनाएं, जो जो चीज़ें सोची थी। यार मैंने कितना कुछ सोचा था ना, रील बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे ना, हमें वही भी हुआ था, वहाँ ले जाओ गोल्डन डा ले जाती, लेकिन सबको ना थोड़ा वॉमिट होता है और मुझे खुद होता है गाड़ी में, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया। तो फिलहाल आज मैं आपको सुनाती हूँ, आज वो दिन आ गया है, पर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ही सुनाना पड़ेगा, पूरा विस्तार से नहीं आएगा सुनाना क्योंकि टाइम कम है। इस व्लॉग के अलावा हमें खुद भी टाइम स्पेंड करना है थोड़ा सा, तो फिर ये मुझे मारेंगे, बोलेंगे व्लॉग ही बनाना था तुम्हें, मैं फिर टाइम नहीं स्पेंड करना था तुमको, ऐसे बोलोगे। ये भी निकाल दो, ये बना है ना, क्या पता। तो गाइस हम मिले कैसे थे, सबको क्वेश्चन आया ये था कि हम मिले कैसे थे, तो आप बताएंगे मैं बताऊँ। मुझे कभी नहीं देखा था, मतलब जादू ही था ना एक आवाज से प्यार, मैंने आपको पहले भी बोला था, हाँ मतलब पहली बार नहीं देखा था इनको, मेरी आवाज से प्यार हो गया था। अरे शख्स से आवाज से किसी को प्यार होता, मुझे तो अपनी आवाज से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। आप इसलिए तो बोला, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आवाज़ देखी थी, आवाज़ सुनी थी, हाँ वही तुम्हें देख लेता था। और अब ये आवाज़ कहाँ सुनी थी ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में जम्मू में एक शादी थी, बटोत, हाँ वही बटोत, हाँ बटोत में शादी थी, वो जम्मू में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी शादी में गई थी, वहाँ मेरी फ्रेंड भी शादी में थी, तो मैं उसको कहने आई थी तुम उसे, शायद तुम वहीं रुकी थी ना, तुम पिक करने आई थी, मगरिब का टाइम हो रहा था, उस तरह की ठंड लगी हुई थी। हाँ मेरे को वो चीज़ इतनी याद भी नहीं है। तो मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने गई थी, तब मैं जम्मू में ही थी, ठीक है, मैं उसको पिक करने गई वहाँ से, फिर लेट हो गया, मैं मास्क वगैरह पहन के रखती थी, आपको पता ही है। मास्क पहनती थी तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती थी मास्क में, ठीक है वो, हेलो देख लो पूरा खुद ही, अब अच्छी नहीं लग रही, लग रही हो ज़्यादा बनते हो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये शायद बैठे थे, इनके फ्रेंड्स भी थे, अंकित भी और मोहसिन भी थे शायद, नीरज बैठे इनके साथ, तो ये सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मेरे को तो पहले ही शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उसको पिक करने, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, मैं पहले फ़ोन पे बो रही थी, ये आसपास ही थे कहीं शायद, मैं फ़ोन पे बो रही थी लेकिन ये मेरे पीछे, मैंने इनको नहीं देखा था, नोटिस नहीं किया था, तो फिर
ज्यादा नहीं नोटिस नहीं किया था, 5 बार बोल रही थी। मैंने कॉल की अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा आजा जल्दी से ये वो, तो और वो कुछ और भी पूछने लगी, तो मैम बोला मैं यहाँ हूँ ये हूँ वो, तो आजा जल्दी लेट हो गई है। तो फिर जब इन्होंने सुनी ये फॉलो करने लगे यहाँ वहाँ। अच्छा तो ये मैंने नोटिस किया, मैं तुम्हें नहीं फॉलो कर रहा था, ठीक है। फिर किसको कर रहे थे? मैं देख रहा था उन्हीं को। उनको किन को देख रहे थे? जिनके साथ मैं आया था उन्हीं को ले रहा था, वो तो अंदर गए थे, ठीक है, उन्हीं के लिए पास जा रहा था मैं। तभी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा यार ये कैसा, जैसे हमारे यहाँ की आवाज़ अलग होती है, तुम देख लो मेरी आवाज़। अच्छा जिस शादी में तुम थे वो वहाँ पर भी तो ऐसी आवाज़ थी? कैसी? हाँ वही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी थोड़ी अलग थी, देखा ना मैंने, मतलब ऐसा अलग। ऐसे बोलो मेरी अलग थी? हाँ ठीक है अलग थी। हाँ तो मैंने उसको कॉल की, तो फिर वो फटाक से आई और फटाक से वहाँ से निकले क्योंकि लेट हो रही थी। तो इन्होंने मुझे बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने मेरी शायद बैक साइड देखी होगी और सिर्फ बात देखा था, मैंने आँख देखी तुम्हारी, आँख देखी थी मेरी। आँख तो मेरी वैसे भी अच्छी है, इसका मतलब तुम मेरी आँखों पे प्यार कर रही हो। आँख है देखो कुछ लगाया हुआ है तुमने। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद आप बताओ ना फिर आपने कैसे मुझे ढूंढा? मैंने कैसे ढूंढा, बस वही गया, तुम आती रहती थी, 2 दिन आई थी, तो मैं देखा था उसी वक्त। फिर मैंने बात की नीरज से, इनसे मेरी बात कर रहा हूँ थोड़ी देखनी है। उन्होंने फिर इनके दोस्त के ने चला के मेरी आईडी ढूंढ ली, और तब मेरी आईडी दीनू राइट्स थी नहीं, मेरी आईडी थी पंची शेख करके कुछ थी। तो इन्होंने मेरी वो आईडी ढूंढ ली। तो उसके बाद क्या होता है, मुझे मैसेज आता है, मैंने देखा इनको, तो मैंने शादी में देखा है, इन्होंने मुझे नहीं देखा था, मैंने इनको देखा था। देखा, देख लिया तुमने मुझे, देख रही थी तुम, तब इतने लोग थे शादी में, फिर भी तुमने मुझे देखा है, फिर भी मुझे तो नहीं याद है, अभी भी एक भी आदमी याद नहीं, जिसकी शादी थी वही मुझे याद नहीं उनका। मैं मंसूर आप थोड़े अलग लग रहे थे, मेरा वो कहने का मतलब है, और पीछे फॉलो तो कर रहे थे ना वो, कोई फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मुंह ही नहीं देखा कैसे फॉलो करूंगा, चुप रहो तुम। तो उसके बाद बताती हूँ मैं, तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे मैसेज आता है, तो मैंने कहा मैंने इनको देखा है, फिर मैंने हाय हेलो किया। और उस दौरान ना मैं बहुत कुछ डिप्रेशन में थी, तो वरना मैं किसी से बात करती नहीं थी, इंस्टा वगैरह मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह में उसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में थी क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस दौरान मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मतलब सोच रही थी करने का, तो सोचते सोचते ही लोगों ने इतना डिप्रेस कर दिया था, क्या कर रही, मतलब आपको पता है वो वाला सीन। तो उसके बाद मैं उतना डिप्रेशन में थी, ऊपर से लाइफ में कुछ अलग सी उलझने चल रही थी, बहुत गंदा गंदा हो रहा था, बहुत गंदा, मतलब मोड़ ही नहीं लग रहा था उस लाइफ से। मैं बोल रही थी यार मैं निकलूँ यहाँ से, कैसे निकलूँ। तो फिर इनसे इनका मैसेज आया, तो मैंने ना कर दी बात, मैंने ऐसे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दुआ वो ये मिले थे वो, ठीक है। तो ये वहीं थे जम्मू में शादी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझे, फिर क्या हुआ था, फिर आप घर चले गए थे जब वापस? मैं चला गया था घर, निकल गया था मेरा टाइम। हाँ ये गुजरात चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारी बात हुई, वही ऐसे एज अ फ्रेंड हुई, 21 जुलाई को हमारी पहली बात हुई थी शायद। डेट मुझे नहीं याद, मुझे याद है 21 जुलाई को हमारी बात हुई थी। तो स्टार्ट होते 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 थे, इन्होंने फिर मुझे बाद में बोला यार आपकी आवाज़ों की तारीफ करने लगे। मैंने कहा चेहरे पे क्या लगा था, चेहरे की तारीफ नहीं कर रहे थे? पता नहीं चेहरा नहीं अच्छा लगा, नाक पूरी बाहर थी वहाँ तक। आया चुप रहो। मुझे लगा कोई टावल लगा हुआ है, चुप रहो मारो। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, फिर मैंने इनको फोटो भेजे, फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं, आवाज़ भेजो ना, वॉइस मैसेज भेजो ना, वॉइस नोट भेजो ना, सुबह सुबह भेजो ना, शाम को भेजो ना, मतलब फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें देखे अगर था सुबह वॉइस मैसेज, शाम को वॉइस मैसेज, बस यही होता था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बोला, फिर उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हम एज अ फ्रेंड बात करते रहे कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला कि हाँ मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी प्रॉब्लम हो गई, बहुत रोने लगी, मैं जम्मू गई थी, मैं बहुत रोने लगी, बहुत बहुत बहुत, मतलब इनके, इन्होंने मुझे कॉल की ना तो मैं रोने लगी। इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे ऐसे कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी शादी कर रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या इन्होंने मुझे प्रपोज किया, ठीक है, गलत बात है, जो बात है तुमने मुझे प्रपोज किया था, यार चुप रहो, वो मजाक था, वो मजाक, मजाक मजाक में कोई प्रपोज नहीं करता, ओरिजिनल में ही करता, तुम नहीं, चुप रहो, पहले तुम नहीं किया था, झूठ नहीं, झूठ बोलते, वो हम खेल रहे थे गेम, चुप रहो, कोई गेम नहीं, मुझे इनको प्रपोज करना था, ठीक है, अरे मान लो तुम मानो, अभी भी झूठ बोलोगी, अभी भी सबूत है, दिखाओ मैं दिखाओ दिखाओ, दिखाता हूँ दूसरे फोन में, दिखाता हूँ, आपको लगता है मैं प्रपोज करूंगी, लग रहा है किसी एंगल, मैं प्रपोज करूंगा, ऐसा था कि अभी तुम कल सुना हो गया,
अकेले नहीं सुनाऊंगी इससे। ये बहुत लंबा भी हो गया, 10 मिनट हो गए। नहीं, ये मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी ना फिर।